हे गाइस, वेलकम बैक टू वी आर फैमिली ब्लॉग्स। सो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए गाइस। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 12:30 बजे से। मैं पूरा सब कुछ कर लिया है और अब मैं फ्री हूँ, बस तैयार होकर के घर से निकलने वाली हूँ। तो गाइस, मैं निकल गई हूँ घर से। मैं अभी जा रही हूँ शोरूम टिफ़िन देने के लिए। शोरूम पर जो नई बच्ची है रिया, उसके लिए रोज़ टिफ़िन पैक करके मैं देने जाती हूँ, क्योंकि वो घर से खाना नहीं लाती है, तो इसलिए मैं यहाँ से पैक करके ले जाती हूँ। सो बस चीनू गए हैं कुछ काम से बाहर, और वो आज घर से ही खाना खा करके गए थे, नहीं तो रोज़ उनके लिए भी लेके जाना पड़ता है साथ में, पर आज वो सुबह जल्दी ही खा कर चले गए। तो भाई, शोरूम आ करके जैसे अभी खाना दे दिया है मैंने, अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ घर। क्या चीनू भी आ गए? हाँ यार। तो गाइज, अभी हम आए हैं शॉपिंग के लिए। C21 यू की शॉपिंग होगी आज, यू शॉपिंग करेंगे। यू को बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना। घर पे बोलता है मम्मा शॉपिंग पे जाना है, तो हम लोग आए हैं चीनू में यू को लेकर के शॉपिंग पे। तो गाइज, शॉपिंग हो गई है हमारी। तुम दोनों यू और मेरी शॉपिंग हुई है। क्या बेटा, मेरी तो जो पिछली बार हुई थी शॉपिंग उसके कपड़े अभी तक खत्म नहीं हुए। हाँ सही है, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे खुलवा नहीं। तो मेरी शॉपिंग हो गई है गाइस। इस बार मैंने लिया है सूट और फुटवेयर जो मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत प्यारा सूट और बहुत सारी फुटवेयर लिए मैंने, और युवो के लिए भी ड्रेस लिया है। सबको पॉपकॉर्न खिला रहा है। ऐसा नहीं करना, नहीं गिर जाएगा। मम्मा खिला दो एक। वो मम्मा लवर है बहुत ही ज्यादा, ऐसा मम्मा को लगता है। ऐसा लगता नहीं चिनू, ऐसा है। बेटो आ, तो खिला देगा। तो मम्मा लवर है, वो इंसानियत के खातिर खिलाता है। दिन भर मुझ में चिपका रहता है, कहीं नहीं जाता। की इसको खिला दो। दिन भर मुझ में चिपका रहता है, वो मम्मा मम्मा करता रहता है। ठीक आ गई, मतलब ये बात राइट है, ये बात सही है। सही है ये बात। तो बहुत तेज भूख लगी थी, तो हम लोगों ने लिट्टी चोखा ऑर्डर किया। चिनू ये अनियन भी देने लग गए आजकल, देखो पहले नहीं देते थे ना चिनू। पलक खा के बता कैसा लगा? मैं तो खाना ही स्टार्ट कर दिया। हो ये अपने पॉपकॉर्न में लगे हुए हैं युवन सर। तो मैं भी खा लेती हूँ फटाफट, मेरे मुँह में आ रहा है गाइस पानी बहुत तेज। कहीं इसी पानी से मेरा पेट ना भर जाए, इसलिए मैं पहले खा लेती हूँ। तो गाइस, ये कबूतर को चोट लग गई, उसके लिए मैंने पानी रखा और खाना रखा है। उसको बहुत संकोच हो रहा है वहाँ तक जाने में कि कहीं पकड़ ना ले मुझे, पर हम पकड़ने नहीं आए, हम उसके लिए खाना पानी लेकर आए, वो समझ नहीं पा रहा है। तो गाइस, घर आकर युवू को सुलाकर अभी मैं वापस निकल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अपने सूट का फिटिंग करवाना है जो मैंने लिया है। चीनू मुझे लेने आ रहे हैं सामने से, देखो ये। तो गाइस, हर समय कार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कार से निकल पाए, तो मैं थोड़ा सा वॉक करके जाती हूँ। चीनू लेने आ जाते हैं, कौन सा रोड है आने वाला, मैं उस वाले रोड पे आता हूँ। सो गाइस, आज है दूसरा दिन और बज रही है 12। सो जा रही हूँ बस जिया को खाना देने के लिए, क्योंकि चीनू किसी काम से गए हैं तो वो अभी नहीं वापस आए हैं, और जिया को लग रही होगी भूख क्योंकि सुबह नाश्ता करके बस गई थी। तो अभी जा रही हूँ मैं उसको टिफ़िन देने के लिए, फटाफट दे करके आती हूँ। और उधर से मुझे आम भी लेकर के आना है, घर पे आम ख़त्म हो जाते हैं तो एकदम से अजीब लगने लगता है मुझे, क्योंकि मुझे आम खाना बहुत पसंद है। तो जैसे ही आम ख़त्म होते हैं, ख़त्म होने से पहले ही ले आती हूँ मैं, पर आज ख़त्म हो गए तो आज लेकर के आ रही हूँ। मुझे आम बहुत पसंद है गाइस, बहुत। तो गाइस, मैं आम लेकर के आ गई हूँ, और मैंने फटाफट जार में आम को काट के डाल दिया है। मैं जा रही हूँ मैंगो शेक बनाने, क्योंकि चीनू को मैंगो शेक से रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत ही फेवरेट है गर्मियों के सीज़न में आम रस और रोटी। तो फटाफट मैं आम रस बनाने जा रही हूँ। तो गाइस, मैं करने जा रही हूँ आज श्रृंगार भगवान जी का, क्योंकि मुझे देख देख करके ना बोर हो गई हूँ मैं, कि एक ही ड्रेस में उनको 5-7 दिन से देख रही हूँ। सो बस मैं अब उनको जा रही हूँ आज श्रृंगार करने, और प्यारा सा ड्रेस पहनाने, फिर मैं उनका लुक बताऊँगी आपको श्रृंगार करने के बाद।
तो गाइस श्री जी की टिकी लगाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैं उनका श्रृंगार करती हूँ तो उनकी जो लगी हुई माथे की टिकी है मैं उसको लगा लेती हूँ और वो वापस मैं उनको कभी भी नहीं लगाती हूँ। तो वो अब मेरी हो गई है। तो उनके माथे की टिकी जब भी मैं चेंज करती हूँ पुरानी वाली टिकी मैं लगा लेती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो मैं कितना अच्छा लग रहा है ना। सो गाइज ये है हमारे कान्हा जी और श्री जी का फाइनल लुक। देख सकते हो आप लोग सुंदर लग रहे हैं ना। तो आज का श्रृंगार गाइज कुछ ऐसा हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हर ड्रेस में अलग रूप ले लेते हैं ये। इतने प्यारे लगते हैं हर ड्रेस में अलग अलग। और यहाँ पर उठ गए हमारे छोटे कन्हैया। निन्नी हो गई है हमारे छोटे कन्हैया की। और हमारा श्रृंगार भी कंप्लीट हो गया है। जब श्रृंगार कंप्लीट हुआ मैंने वीडियो लिया और हमारे छोटे से कन्हैया उठ गए हैं। अब ये कुछ नहीं करने देंगे हमको। कुछ भी नहीं करने देंगे। बस अब इनकी खिदमत में हमको लग जाना है। ओके सबको बाय कर दो। अच्छा बाय कर दो। बाय।